पिछले साल कुछ भक्तों के साथ खींचने की बात थी, इस बार डीएम और एसएसपी साहब दोनों बहुत शालीनता के साथ भक्तों का ख्याल रख रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ और हम लोग देखे कि लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। सुबह इनकम टैक्स चौराहे तक लाइन पहुँच गई थी और फोर्स मजिस्ट्रेट सब लगा हुआ है और लोग बहुत अनुशासित रहते हैं, धीरज के साथ पंक्ति में रहते हैं, घंटों पंक्तिबद्ध होने के बाद यहाँ दर्शन कर लिया। सीसीटीवी कैमरे से हम लोग निगरानी कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 से 3 बजे तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट हो जाए, संपन्न हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आज रामनवमी का त्यौहार है, ऐसे में पटना जंक्शन स्थित सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां पर सुबह से भीड़ उमड़ पड़ी है, श्रद्धा का जो जनसैलाब है उमड़ पड़ा है और हर तरफ हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए लोग पहुँचे हैं। खुद पटना के DM चंद्रशेखर सिंह सुबह से पहुँचे हुए हैं और तैयारी तो काफ़ी बेहतर की गई है, जो श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा है कैसे देखते हैं और तैयारी प्रशासन की ओर से पुरजोर है? काफ़ी भीड़ है यहाँ और हम लोग देखे कि लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। सुबह इनकम टैक्स चौराहे तक लाइन पहुँच गई थी और फोर्स मजिस्ट्रेट सब लगा हुआ है, तेज़ी से लोग दर्शन कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे से हम लोग निगरानी कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 से 3 बजे तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट हो जाए, संपन्न हो जाए। और शाम में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ता है आस्था का जनसैलाब सड़कों पर, जब रामनवमी शोभा यात्रा होगी उस दौरान भी भीड़ होगी? हाँ, उस दौरान डाक बंगला चौराहे पर काफ़ी भीड़ होती है, तो उसको देखते हुए हम लोगों का प्रयास है कि उसके पहले यहाँ का संपन्न हो जाए दर्शन। और भक्तगणों से अनुरोध है कि वो पंक्तिबद्ध होकर के आएँ, बारी बारी से अपने लाइन में लग कर के आएँ, अगर लाइन तोड़ेंगे अव्यवस्था करेंगे तो और विलम्ब होगा, खुद दर्शन करने आए। और देखिए, खुद पटना के DM यहाँ मौजूद हैं, सुबह सुबह सभी श्री राम जी के हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। उस मंदिर को बेहतरीन ढंग से फूलों से सजा दिया गया है और आप देख सकते हैं जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के उद्घोष, ये श्रद्धा का जनसैलाब, आस्था का जनसैलाब मंदिर में उमड़ चुका है। हम लोगों से बात करेंगे, कितने बजे से लाइन में लगे हुए हैं? 10 बजे। 10 बजे? कितने बजे से? 10 बजे रात से। 10 बजे रात से? कितने बजे? देखिए ना, गर्दन देखिए, गर्दन पर टैटू भी बनाया हुआ है श्री राम का। देखिए, श्री राम के लिए क्या मांगने आए हैं? मन्नत मांगने आए हैं। मन्नत मांगने आए हैं। देखिए, बुजुर्ग हो, जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पंक्तिबद्ध हैं। महिलाओं की अलग पंक्ति है, पुरुषों की अलग पंक्ति है और खुद इस मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल सभी व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। खुद प्रशासनिक तौर पर जब DM यहाँ पहुँचे हुए, उनसे भी बातचीत हो रही है और हर चीज़ को देख रहे हैं, कैसे लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। किशोर कुणाल से भी हमने बातचीत की है, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनिए। लगभग 8 बजने को है, तैयारी तो हमने देख ली है, हज़ारों की नहीं लाखों की संख्या में लोग आए हैं, भीड़ उमड़ पड़ी है श्रद्धा की। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा उत्साहवर्धक है कि भक्तों की संख्या में वृद्धि हो रही है, हर साल वृद्धि हो रही है और लोग बहुत अनुशासित रहते हैं, धीरज के साथ पंक्ति में रहते हैं, घंटों पंक्तिबद्ध होने के बाद यहाँ दर्शन करने आते हैं। नहीं, कैसे देख रहे हैं जय श्री राम के नारे और सड़कों पर ये भक्ति का जनसैलाब, व्यवस्थाएं तो काफ़ी बेहतरीन की गई हैं? नहीं, सब हनुमान जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है और 10 बजे से देखिएगा और जब ड्रोन उड़ने लगेंगे, फूलों की बरसात होने लगेगी, और अच्छा लगेगा। हम लोगों ने नई, पिछले साल तो टोकन किया था, इस बार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आप कितने बजे आ गए थे ये बताइए? मैं तो रात में ही सोया था। आप यहीं सोए थे? हाँ, कल 11 बजे आए रात के, कल भोजन करने गया, कपड़ा उपड़ा पर लेकर आया, ये स्नान पूजा करके यहीं पे। आप यहीं सो गए मंदिर में? यहीं सोए, मतलब श्रद्धालुओं के लिए ही समर्पित है जी, इसलिए कि 1:45 में सब व्यवस्था देखनी थी। हमने आपकी कहानी सुनी है, जिस तरह की भीड़ आ रही है, लगता है अगले साल अयोध्या में राम मंदिर भी बनने वाला है, ये भीड़ और बढ़ेगी, आस्था रुकेगी नहीं? नहीं, भीड़ बढ़ती जाएगी, लोगों में बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है। प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है? अब पूरा सहयोग ही नहीं मिल रहा है, पिछले साल कुछ भक्तों के साथ खींचने उचने की बात थी, इस बार DM और SSP साहब दोनों बहुत शालीनता के साथ भक्तों का ख्याल रख रहे हैं। भक्तों का ध्यान रखा जा रहा है, मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल हमारे साथ थे और देखिए कैसे जय श्री राम के नारों के साथ, उद्घोष के साथ
कैसे ये जो कतार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। आस्था का ये जनसैलाब पटना के महावीर मंदिर में, सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में टूट पड़ा है और लोग कैसे हर ओर अपने अपने प्रसाद के साथ, मालाओं के साथ, झंडे के साथ कतार में आ रहे हैं। महिलाओं की अलग पंक्ति है, तो ये पूरी तैयारी जो है पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में की गई है। दोपहर 12 बजे रामलला खुद प्रकट होंगे, फूलों की बरसात होगी ड्रोन से, उस तस्वीर से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।